अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ये क्लास है 7th की और सब्जेक्ट जो हमारा है वो है इंग्लिश। आज जो हम लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है फेचिंग द डॉक्टर। लेसन नंबर 6 है ये। इसमें ये राइटर जो है ये हेमलिन गारलैंड है, इसी ने लिखा है। ये खुद अपनी स्टोरी कहता है इसमें। उसका बाप एक दिन बीमार हो जाता है और वो फिर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बुला के लाता है। वही स्टोरी ये इसमें कहता है। नाम है इसलिए इसका नाम रखा गया कि फेचिंग द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाना। अच्छा, इसकी रीडिंग करेंगे। वन नाइट एज आई ले इन डीप स्लीप अपस्टेयर्स आई हर्ड माई मदर्स कॉल एंड ए शार्प नोट ऑफ अलार्म इन हर वॉइस रोज्ड मी। ये हेमलिन कहता है कि एक दिन मैं अपनी मकान में सोया हुआ था। अपस्टेयर्स मैंने ऊपर की जो मंजिल होती है उसमें मैं सोया हुआ था, तो मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी, बुलाया। आई हर्ड माई मदर्स कॉल एंड आई ए शार्प नोट ऑफ अलार्म इन हर वॉइस रोज्ड मी। मैंने अपनी माँ की आवाज़ सुनी और मुझे उसकी आवाज़ कुछ डरी डरी सी लगी। वो डरी हुई थी, उसने मुझे आवाज़ दी तो मैं फटाफट से जाग गया उसकी आवाज़ सुन के। हेमलिन शी कॉल गेट अप एट वंस, उसने मुझे कहा कि हेमलिन चलो उठो जाग जाओ। यू मस्ट गो फॉर द डॉक्टर, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। योर फादर इज़ वेरी सिक, हरी। माँ उससे कहती है कि हेमलिन फटाफट जाग जाओ और डॉक्टर के पास जाना है, आपका बाप जो है वो बहुत ही बीमार है। योर फादर इज़ वेरी सिक, आपका बाप बहुत ही बीमार है, इसलिए आप जल्दी से जाके डॉक्टर को बुला के लाओ। आई हर्ड यू, आई एम कमिंग, हेमलिन अपनी माँ से कहता है। आई हर्ड यू, मैंने आपकी आवाज़ सुनी, मैं सुन रहा हूँ आपको। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ। आई कॉल एज आई फ्लू इन माई क्लोथ्स स्टिल पार्टली अस्लीप, मैं जल्दी से जागा उठा और अपने कपड़े पहनने लगा। स्टिल पार्टली अस्लीप, अभी मेरी आंखों में नींद थी, मैं पूरी तरह से जागा नहीं था, मेरी आंखों में अभी नींद ही भरी थी कि मैं उठ गया और अपने कपड़े लगाने लगा। मदर मेट मी विद अ वाइल, कुछ ही टाइम के बाद, कुछ ही देर बाद मुझे मेरी माँ मिली। ये हेमलिन कहता है कि मुझे अपनी माँ से मुलाकात हुई। फ्राइटनड फेस, वो खौफज़दा हुई थी, वो डरी डरी सी थी। विद वाइट फ्राइटनड फेस, सफ़ेद और खौफज़दा चेहरा था उसका। योर फादर इज़ इन टेरेबल पेन, आपका बाप जो है वो बहुत ही ज़्यादा उसको तकलीफ़ है। टेरेबल पेन, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ उसके बाप को थी। गो फॉर द डॉक्टर एट वंस, फटाफट से डॉक्टर के पास चले जाओ। ये हेमलिन की माँ हेमलिन से कहती है कि आपका बाप बहुत ही बीमार है, इसलिए आप जल्दी से जाके किसी डॉक्टर को बुला के लाओ। आई कुड हियर माई फादर क्राई आउट एज आई लाइटेड द लैंटर्न एंड पुट ऑन माई कोट, मैं भी सुन रहा था कि मेरा जो बाप था वो चिल्ला रहा था, उसको दर्द था, दर्द की वजह से वो चिल्ला रहा था। Lighted the lantern and put on my coat. मैंने अपना जो लालटेन है वो जलाया और अपना कोट पहन लिया। It was 1 o'clock in the morning. It was 1 o'clock in the morning. इस टाइम रात के 1 बजे की बात है, ये 1 बजा था रात का, इसलिए उस टाइम ये घर से निकल गया। रात के 1 बजे ये घर से निकला एंड द विंड वॉज कूल एज आई केयरफुली मेड माई वे थ्रू मड एंड रेन टू द बार्न।
बहुत ही अंधेरा था उस टाइम, रात के 1 बजे, बहुत ही अंधेरा था। ये अपने घर से चला गया, इसने आई केयरफुली मेड माई वे, मैंने बहुत ही होशियारी के साथ अपने रास्ते से मैं चला गया, अपने अपना रास्ता बनाया बहुत ही होशियारी के साथ उस अंधेरे में, थ्रू मड एंड रेन। उस वक़्त बहुत ही कीचड़ भी था और बारिश भी हो रही थी, बारिश की वजह से कीचड़ भी था और बारिश जो हो रही थी ऊपर से, तो इसलिए इसको बहुत ही मुश्किल हुआ उस टाइम घर से निकलना। मड एंड रेन टू द बार्न, बहुत ही बारिश हो रही थी, कीचड़ भी थी, उसमें अब उसने रास्ता बनाया आसानी, बहुत ही होशियारी के साथ बार्न बार्न तक चला गया। बार्न कहते हैं कि जिसमें वो घोड़े घोड़े रखते थे, वहाँ तक चला गया। नॉट थॉट ऑफ द लॉन्ग डार्क माइल्स टू टाउन मेड माई हैंड शेक, बट एज द सन ऑफ ए सोल्जर आई कुड नॉट फेल इन माई ड्यूटी। उस टाइम जो अंधेरा था, मेरी सोच में ये पहले आया कि बहुत ही अंधेरा था है, मैं कैसे जाऊँगा, डॉक्टर को कैसे बुलाऊँगा, लेकिन मुझे जाना पड़ा, मैं चला गया। डार्क माइल्स टू टाउन मेड माई हैंड शेक, पहले मैं कांप रहा था, मेरे हाथ डर की वजह से कांप रहे थे कि मैं कैसे जाऊंगा, बट एज द सन ऑफ सोल्जर आई कुड नॉट फेल माई इन माई ड्यूटी। लेकिन मैं एक सोल्जर का बेटा था, एक सिपाही का बेटा, फौजी का बेटा था मैं, इसलिए मैं ये काम करने में फेल नहीं हुआ, मुझे नाकामी नहीं हुई, मैंने ये काम अच्छे तरीके से कर लिया। मैं चला गया ऐसे ही बारिश में, कीचड़ में से निकल के मैं डॉक्टर के पास गया। मेकिंग माई वे पास्ट द ओल्डर स्ट्रॉन्गर हॉर्सेज आई हैंग अप द लैंटर्न एंड सैडल्ड केटी, ए यंग मेयर ऑलवेज रेडी फॉर एक्शन, ऑलवेज डिपेंडेबल। मेकिंग माई वे पास्ट द ओल्डर स्ट्रॉन्गर हॉर्सेज, मैंने जब वहाँ गया तो उन घोड़ों में से मैं चल के गया, जो उसने अपने लिए रखा था, वो एक मेयर थी, एक घोड़ी थी, उसको उसने वो जीन लगाया, सैडल बोलते हैं जीन को, उस पे उसने वो लगाया। आई हैंग अप द लैंटर्न, लैंटर्न को, लालटेन को एक लटका के रखा, फिर अपनी उस मेयर को सैडल लगाया, जीन लगाया और उस पे चढ़ के वहाँ से निकल गया। जो वो घोड़ी थी उसका नाम उसने केटी रखा था, वो हमेशा तैयार रहती थी इसके काम के लिए। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे।